हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएनबी के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 26 सितंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीएनबी में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 5.8% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 38.15 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज हमें वॉल्यूम जो देखने मिला, कैंडल यहाँ पे जरूर है कि यहाँ पे लार्ज साइज की बनी है, दोनों के साइड में छोटी छोटी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात है मैं करूं आरएसआई की, आरएसआई हमारा 53-54 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में हमारा ओपिनियन यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का चांसेस है कि स्टॉक में डाउनसाइड जो देखने मिले। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 37.23 के आसपास हमें स्टॉक में गिरते हुए देखने मिल सकता है। अगर उसको स्टॉक क्रॉस करते गया तो स्टॉक में इजिली फिर डाउनसाइड जो है 36 तक जाते हुए देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टॉक में ट्रेंड जो है पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि स्टॉक फ्राइडे के दिन 20 EMA के नीचे जो क्लोज हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है जरूर बाइंग के साइड में लॉन्ग टर्म वाइज या फिर यहाँ पे जो है पोजिशनल वाइज जो है मैं आपको थोड़ा सा फिलहाल रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आप जरूर इंट्राडे वाइज जितना हो सके आप जो है जरूर बाइंग साइड में जो अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका इंट्राडे वाइज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी पोजिशनल वाइज मैं आपको कहूँ तो थोड़ा सा वेट करें, 36 के आसपास आए तब यहाँ पे स्टॉक में जरूर जब यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और वहां पे अगर आपको एवरेज भी करना है तो भी वहां पे कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन मतलब मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ऑलरेडी ऐसा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है मार्क्ड है, हमें कुछ एक नया जो है डेटा कुछ देखने मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे जरूर जो है मार्क करके रख देता हूँ ताकि यहाँ पे हम अच्छी तरह से कभी भी स्टॉक जो इस रेंज में आए तो हमारे पास इन डेटा की मदद से जो हम अच्छी तरह से अपना जो है ट्रेड भी जो है वो ले सके। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो है सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग और जो है चेंजेस वो कर ले। तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे हमारी मार्किंग्स अप साइड में जो हो चुकी है, नीचे के साइड में भी एक नया डेटा बनते हुए देखने मिल रहा है उसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब बात करेंगे इसके क्लोजिंग, तो जूम करके दोनों साइड का डेटा हमें क्लियरली देखने मिले यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे कल के दिन अच्छी तरह से अपना ट्रेड जो है वो ले सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग 38.10 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता 37.80 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 38.15 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो एड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा
देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 37.30 का, उसके बाद क्या आता है 36.55 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 38.80 का, उसके बाद क्या आता है 39.25 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है मतलब मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। 38.15 से लेकर 38.80 की रेंज में हमें क्लोजिंग की जो एक्सपेक्टेशन है, मोमेंट यहाँ पे ज्यादा नहीं रहने वाला, लेकिन इस रेंज में हमारी जरूर एक्सपेक्टेशन है एक क्लोजिंग हमें देखने मिले। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव साइड में हमारा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है यहाँ पे आने वाले दिनों में और यहाँ पे कल के दिन मतलब मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।